तो गाइस आज हम जा रहे हैं SBI बैंक अपना अकाउंट खुलवाने के लिए। तो वहाँ चल के देखेंगे SBI का सर्विस कैसा है। और क्या बोलता है, SBI का सर्विस ख़राब है। मेरा एक्सपीरियंस पर कभी है नहीं, तो आज वही सच और झूठ का मालूम करने पर चलेंगे और साथ में ब्लॉग भी बना लेंगे और अकाउंट भी खोल लेंगे। तो क्या SBI चलते हैं और सीन दिखाते हैं करोड़ का। तो रोहन बोला इडली खाने के लिए, ठीक है चलते हैं इडली खाते हैं। तो ओम प्रकाश भी आ जाएगा, पता नहीं उम्र के साथ नहीं, हम लोग इडली हम लोग खा लेंगे। चलती फिरती इडली का दुकान। अच्छा, ये कितना के इडली देते हैं? यही है अभी इडली कैसा बना रहे भैया। अब फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। ये क्या रहा भाई? इडली। इडली है, इडली के ऊपर नारियल चटनी, उसके ऊपर। ये नारियल चटनी नहीं है यार, ये छोला है। छोला है हाँ। ये लाल मिर्च, ये नमक, और ये वो जीरा गोल के था। अच्छा वो जीरा गोल की था, वो लाल मिर्च ने समझ लिया था। अच्छा, और ये क्या प्याज, और ये सेव। अच्छा, और ये सॉस। हम लोग इडली बन गया रेडी। ओपी भी आ गया, ओपी भी देना पड़ेगा इडली। इनका मुंह का निवाला मैंने ले लिया। तो गाइस जैसा कि ब्लॉग में देख रहे हैं, हम लोग SBI पहुंच चुके हैं, SBI बैंक। अब यहाँ पर खाता खुलाने आए थे, देखते हैं कैसा सर्विस देता है, कैसा नहीं, कितना देर लगता है खाता खुलाने में। तो चलते हैं बैंक के अंदर, जैसा कि देख रहे हैं SBI का बैंक है। ये हम लोग SBI और SBI के बाहर हम लोग, तो एक घंटा बिताए भी SBI के अंदर और अकाउंट ओपन हो गया हम लोग का। SBI का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, स्टाफ लोग अच्छा था, प्रदीप कुमार सर बहुत अच्छे थे, लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना SBI का, वो एक नंबर है। अब यहाँ तो सुधर गया, बाकी जगह पता नहीं, लेकिन ये वाला SBI ना बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, एकदम मन खुश हो गया। क्या बोले, एक घंटा बिताया, ऐसा लगा कि नहीं कि SBI बैंक में एकदम सर लोग अच्छे से बात कर रहे थे और अच्छे से, मतलब काम हो गया तुरंत। एक घंटा लगा तभी बैंक ओपनिंग में, तो सर्विस अच्छा दे रहा भी है SBI, खास कर यहाँ वाला कर गली वाला। आपके सर वाला SBI कैसा है पता नहीं, और वीडियो के बारे बताएंगे कि क्या क्या अंदर में हुआ, क्या क्या नहीं, ठीक है। चलिए घर, उसके बाद बताते हैं आपको। तो भाई हम लोग घर आ गए, और जैसा कि देख रहे पीछे घर है। तो SBI गए थे तो मैनेजर बोल रहा था बैंक में वीडियो नहीं बनाओ भाई, अलाउड नहीं है, बहुत कुछ दिक्कत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मतलब कि उसका कहना मतलब था कि बैंक में वीडियो मना नहीं है, लेकिन बनाओ मत, कुछ सिक्योरिटी पर्पसेस है। बोला कि बाद में आना, साथ में वीडियो बनाएंगे। मैनेजर साहब चीफ मैनेजर प्रदीप कुमार तिवारी, तो वही बोल रहा था कि अगर साथ में वीडियो बनाना हो तो बोलना, बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम होता है बैंक में वीडियो बनाने से, क्या लीगल है या नहीं लीगल है। सीधे लीगल तो कुछ होता नहीं है, सब कुछ सही होता है, क्योंकि हम लोग तो खुलेआम बना रहे हैं ना वीडियो, छुपे तो बनाने थे। तो सर्विस अच्छा दिया, वीडियो बनाने नहीं बोला, और बैंक अकाउंट ओपन कर लिए। अब देखिए कितना दिन में ATM कार्ड आता है, उसका भी वीडियो बनाएंगे। बस आज का ब्लॉग छोटा सा होगा, और कमेंट कर बताइए कैसा डेली ब्लॉग कैसा रहना चाहिए, कैसा नहीं, ऐसे कुछ हमको रिकमेंड कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय, सी यू सून।